कॉलेज ऑफ आर्ट। जी हाँ दोस्तों, हम न्यू दिल्ली के कॉलेज ऑफ आर्ट के बारे में बात करेंगे, जिसका अभी तक एफिलिएशन DU से हुआ करता था। हालांकि अभी इसका एफिलिएशन चेंज हो गया है, वो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। हम यहाँ की फाइन आर्ट्स फैसिलिटी, यहाँ के सीट्स, यहाँ के एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे, साथ ही साथ कुछ ब्रीफ डिटेल के बारे में भी बात करेंगे। सो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट थी, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, इसी तरह से फाइन आर्ट्स और ड्राइंग से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए। आइए देखते हैं। तो आइए दोस्तों, हम थोड़ी सी जानकारी कॉलेज ऑफ आर्ट के बारे में देख लेते हैं। कॉलेज ऑफ आर्ट जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है, यहाँ के एस्टेब्लिश ईयर की बात करें तो वो 1942 में हुआ। कॉलेज टाइप ये गवर्नमेंट टाइप का कॉलेज है। उसके अलावा एफिलिएशन की अगर बात करें तो ये अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो कि न्यू दिल्ली में 2021 में हो गया। इसके पहले ये DU से एफिलिएशन था इसका, आप इस चीज़ को लेके डाउटफुल मत होइएगा। फॉर्म रिलीज यहाँ पे मई और जून के बीच में होता है। सीट्स 85% का जो सीट्स होता है वो दिल्ली के कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल होता है। बाकी का बच्चा जो 15% का सीट्स है दोस्तों, वो अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स के लिए, अदर कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल होता है। एडमिशन प्रोसेस यहाँ एंट्रेंस बेस्ड पे होता है। एग्ज़ाम मोड ऑफलाइन है। यहाँ के फाइन आर्ट्स का जो एग्ज़ाम मोड होता है वो ऑफलाइन होता है। एग्ज़ाम का जो पेपर लैंग्वेज होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। लोकेशन की बात करें तो 20-22 तिलक मार्ग, न्यू दिल्ली 11001। तो दोस्तों, ये रहा कॉलेज ऑफ आर्ट न्यू दिल्ली के बारे में एक छोटी सी जानकारी। आगे हम एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न और एग्ज़ाम मोड सीट्स के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ फिर से, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह की ढेर सारी वीडियोज़ फाइन आर्ट्स और ड्राइंग से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम और फाइन आर्ट्स का तैयारी करने के लिए आपको जो मटेरियल्स, जो बुक्स आपको चाहिए, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक उसके मिल जाएंगे। आप वहाँ से उसको परचेस करके प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों की तैयारी कर सकते हैं। तो ये दोस्तों, यहाँ के कोर्सेस और यहाँ के सीट्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, फाइन आर्ट्स के कोर्स के लिए यहाँ पे दो कोर्स अवेलेबल है। पहला BFA यानी कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, दूसरा MFA यानी कि मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ के BFA यानी कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के बारे में बात करेंगे। इसका ड्यूरेशन 4 ईयर्स का है। सीट्स यहाँ पे 326 सीट्स हैं यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे फर्स्ट ईयर में जो होता है 2 सेमेस्टर का कोर्स, उसमें आपको फाउंडेशन कोर्स कराया जाता है। फाउंडेशन कोर्स के लिए आपको अप्लाइड आर्ट, पेंटिंग, आर्ट हिस्ट्री, स्कल्पचर, पेंटिंग और विजुअल कम्युनिकेशन, ये छः आपको सब्जेक्ट फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। हालांकि जब आप सेकेंड ईयर से लेकर 4th ईयर तक, यानी कि 3 साल का जो कोर्स होगा आपका, वो आपका स्पेशलाइजेशन कोर्स होगा, जिस सब्जेक्ट को आप 1st ईयर में चूज किए हुए होंगे एंट्रेंस एग्जाम के टाइम। और वहीं दोस्तों, इसके अलग अलग डिपार्टमेंट की अगर सीट्स की बात करें तो इसमें अप्लाइड आर्ट में 131 सीट्स हैं, पेंटिंग में 67 और आर्ट हिस्ट्री में 33, स्कल्पचर में 26, प्रिंट मेकिंग में 34 और विजुअल कम्युनिकेशन में 34 सीट्स हैं। उसके अलावा दोस्तों, अगर यहाँ के एंट्रेंस एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे 3 तरह के एंट्रेंस एग्ज़ाम, 3 पेपर आपको देना होगा। पहला आपको स्टिल लाइफ, जो कि सभी स्टूडेंट्स को देना होगा, किसी भी स्पेशलाइजेशन का वो स्टूडेंट हो उसको स्टिल लाइफ देना होगा। थ्योरी भी सभी स्पेशलाइजेशन वाले छात्रों को देना होगा। वहीं अगर इसके कॉम्पोजिशन वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें तो उसमें सभी अलग अलग स्पेशलाइजेशन वाले स्टूडेंट्स को अलग अलग पेपर देना होगा, जैसे कि पेंटिंग के लिए अलग कॉम्पोजिशन, अप्लाइड आर्ट के लिए अलग कॉम्पोजिशन, इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग कॉम्पोजिशन का एग्ज़ाम आपको देना होगा। बात करते हैं यहाँ के अगले यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन वाले कोर्स के, तो वो है MFA यानी कि मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स। ड्यूरेशन इसका 2 ईयर्स का है। वहीं अगर सीट्स की बात करें तो टोटल 65 सीट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाते हैं। सभी सीट्स को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अगर डिवाइड करें तो अप्लाइड आर्ट में 13 सीट्स, पेंटिंग में भी 13, स्कल्पचर में 13, प्रिंट मेकिंग में 13 और विजुअल कम्युनिकेशन में भी 13 सीट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। MFA के लिए शायद यहाँ पे आर्ट हिस्ट्री का सब्जेक्ट नहीं है, तो ये जितने भी डिपार्टमेंट्स, 5 डिपार्टमेंट्स हैं, सभी डिपार्टमेंट्स में 13 सीट्स आपको मिल जाते हैं। सो दोस्तों, ये रहा कॉलेज ऑफ आर्ट न्यू दिल्ली के फाइन आर्ट्स के कोर्सेज के बारे में थोड़ी सी जानकारी। आपको आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा और नॉलेजेबल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो दोस्तों लाइक करिएगा, और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह से ड्राइंग और फाइन आर्ट्स से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, अगर आपको फाइन आर्ट्स के एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी करना है, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए फाइन आर्ट्स के, अच्छे बुक्स और अच्छे प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों के
बुक्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से उसको परचेस करके एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।